हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जस्ट होल्ड डाउन, वेट 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 वेट। या ऐसे हाथ पकड़िए, आप ऐसे पकड़िए, स्माइल, योर पोजीशन, यस सर, होल्ड डाउन, वन मोर प्लीज, फॉर सेकंड साइड, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, या सर एक मिनट सर, आप लोग एक काम कीजिए, ऐसे हाथ पकड़िए, आप इनका हाथ पकड़िए और आप यो यो का एंगल, यस, स्टैंड बाय, थैंक यू, कितनी अच्छी फोटोग्राफ है, देखिए ना, अच्छी है ना, आप लोग कॉफी पीजिए, मैं अभी फोटो लेता हूँ, थैंक यू। नहीं नहीं पहले मैं फोटो खिंचाऊंगी। अरे आप लोग लड़िए मत, आप सबको फोटोग्राफ मिलेगी, अच्छी सी फोटोग्राफ, आप लोग बढ़िया से पोज बनाइए प्लीज, यस, वन सेकेंड प्लीज, ओ सर आप ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो जाइए, आप ऐसे पकड़िए, आप इनका हाथ पकड़िए, आप भी इनका हाथ पकड़िए, यस, रेडी, स्माइल, होल्ड 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 होल्ड, वन मोर प्लीज, आप अभी चेंज कीजिए, यस, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ऐसे रखिए, हाँ, स्माइल, थैंक यू, आप लोग स्नैक्स लीजिए, मैं अभी फोटो देता हूँ, थैंक यू सर, एक एक फोटोग्राफ प्लीज, यस, थैंक यू, सर स्माइल कीजिए सर, ये हाथ ऐसे पकड़िए, मैम आप प्लीज okay. एक साथ ऐसे आइए, आप नजदीक आइए और आप भी, वन मोर प्लीज, वेट, थैंक यू, 30 मिनट में पहुंच जाएगा, ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय। मैंने इस फोटोग्राफर को मना किया था यहाँ पर आने के लिए, फिर से आ गया ये। हाँ भाई, एक ग्रुप आया था, उनका हो गया भाई। हाँ भाई, दूसरा ग्रुप भी आया था, उनका भी हो गया भाई। कोई और भी आने वाला था क्या? मेरा मतलब है कि हाँ। वाओ, आपकी और रोबियो की जोड़ी कमाल की है मैम। मैम एक फोटोग्राफ हो जाए, बस 2 मिनट में फोटोग्राफ हाजिर होगा। ओनली 50 रुपीज पर फोटोग्राफ। माइल मैम, देखिए प्लीज आप मेरा दिमाग मत खाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैडम जी, मैं आपका दिमाग क्यों खाऊंगा, बल्कि यहाँ खाने को इतना कुछ है, पेस्ट्रीज, बर्गर, केक्स, ना जाने क्या क्या। तो वही जाके खाइए ना, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्लीज जाइए अब यहाँ से। हेलो मैडम, रोमियो से इतना प्यार और हमसे इतनी नफरत, छोड़िए। अरे देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, अपुन आपके लिए फोटोग्राफ फ्री में खींचेगा। हाँ बस एक कॉफी और साथ में डिनर, सिर्फ मेरे लिए। नहीं चाहिए, बोला ना एक बार, जा सकते आप यहाँ से। कपाल करती है। मैडम जी, आपने अभी कुछ कहा? नहीं, वो क्या है ना, मेरी खुद से बात करने की आदत है बस। आप देखिए, आप झूठ बोल रही थी, मैंने अभी कुछ देखा है कि आप रोमे से कुछ कह रही थी, आप बताइए आप क्या कह रही थी मैम? भला मैं इस बेजुबान रोमे से क्यों कुछ कहूँगी, और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूँ आपको उससे क्या मतलब, अब हटिए यहाँ से। आपने कुछ कहा, आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कह रही थी। ओके, बनी बनी बनी। यस मैडम। देख वो देख, इस फोटोग्राफर को मैंने मना किया था यहाँ पर आने से, एक तो मेरी रेस्टोरेंट के सामने अपनी दुकान खोल ली, और आज देख वो उस लड़की को छेड़ रहा है, इसे अभी निकाल के बाहर कर। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आज इसे मैं ठीक कर ही देता हूँ। रुक, मैं भी आती हूँ। जल्दी बोलिए, आप ऐसे लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, अगर आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी ना तो मैं तुम्हें जोर से चिल्लाऊंगी। देखिए 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 भाई लोग, अरे भाई साहब ये मेरी बहन है, ये हमारे आपस का मामला है। अब देखिए भाई साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, हमारा आपस का मामला है और कोई बात नहीं है। हाँ बहन जी,
आप लोग जाइए बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा, उस लड़की ने तेरे कान में क्या कहा था? बेटा सच सच बोल दे वरना भाई को बता दूंगा, जल्दी बोल। ए, दुरट, तुझसे बात कर रहा हूँ, दुरट। बोल, बोल दू भाई को। तू रट वरना अच्छा नहीं होगा। ए लफंगे, मेरी रेस्टोरेंट से अभी बाहर निकल। जल्दी बोल, लड़की ने तेरे कान में क्या बोला? तुझसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कर। मारो इसे वरना ये नहीं मानेगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू तस्वीरें तो क्या रोमियो की शक्ल तक भूल जाएगा। बनी भाई गलती हो गई, अब नहीं करूंगा बनी भाई। मैडम मैडम समझाओ इसको, मैं तो बस ऐसे ही। मैडम ऐसे ही बस क्या, किसकी इजाजत से तू यहाँ पे अपनी दुकान खोलकर बैठा है? सॉरी मैडम, मम्मा मुझे माफ कर दो। तू होता कौन है? सॉरी सॉरी। खून 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 खून। ये लड़की ने ऐसे क्या बोल दिया, ये फोटोग्राफर उस पर इतना भड़क गया। और इस लड़की के जाते ही फोटोग्राफर रोमियो पे भड़कने लगा, जैसे रोमियो कोई जीता जागता इंसान हो। क्या हो क्या रहा था यहाँ पर? सर मगर ये कैसे पता चलेगा? ये तो सिर्फ एक फुटेज है, इसमें आवाज नहीं आ रही है। ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं? अंकाश थोड़ा सा फुटेज पर जूम करेंगे और लिप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना? शायद उससे पता चल सकता है कुछ तो। सर फिर ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये फोटोग्राफर किसके साथ बात कर रहा था। फोटोग्राफर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ है ही ये फोटोग्राफर। सर ये लड़की कुछ पी रही है। हाँ सर। हाँ फ्रेंड, लाश को पुतले से बाहर निकाल दिया। गुड, तुम एक काम करो, तुम और पंकज दोनों सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक करो, देखो नया कुछ मिलता है क्या। हाँ यस सर। तब तक हम लोग देख के आते हैं, चलो। ये देखिए सर, इस वाले हाथ में और इस वाले हाथ में यहाँ पे कुछ इंजेक्ट किया गया है। नीडल मार्क जैसे हैं। यहाँ पर भी है और ये देखो पूरा नीला हो गया है, इसके होंठ भी नीले हैं, नाक में से खून आया है, जरूर इसे जहर देकर मारा है। लेकिन सर कैसे, वो भी इतनी भीड़ में? वही तो, किसने किसने किया ये, और फिर इस आइसक्रीम कोन के अंदर आया कहां से? जानती हैं इसे आप? नहीं साहब। तो फिर आपके रोमियो आइसक्रीम कोन में आया कहां से? मैं भी हैरान हूं साहब। देखिए मैडम, सीसीटीवी फुटेज में हमने सब कुछ देख लिया, तो बेहतर यही होगा आप सच सच बता दें कि ये है कौन। मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता और बाहर वालों को सब पता, ये कैसे? कौन बाहर वाला साहब? वही फोटोग्राफर जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, समझिए आप। योगेश वो लफंगा साहब। अब वो फोटोग्राफर लफंगा बन गया, वो कैसे? साहब वो एक नंबर का बदमाश है, पिछले दो हफ्ते से मैं उसे लेकर परेशान हूँ। एक तो मेरे ही रेस्टोरेंट के बाहर वो अपनी दुकान लगाकर बैठा है, मेरे ही ग्राहकों से रोमियो के साथ फोटो खिंचवाने के पैसे लेता है। तो इसमें क्या बुरा था, तुम्हारे कस्टमर्स का मनोरंजन करता था वो लड़कियों को छेड़ता भी था। और सर एक औरत होने के नाते इतनी बड़ी कैफे चलाना कितना मुश्किल है, आपको भी पता है। सर रोज यहाँ से कितने बदमाशों को भगाना पड़ता है। लेकिन हम आपकी बातों पर यकीन क्यों करें? आप बनी से पूछ लीजिए, ये यहाँ का गार्ड है। बताओ बनी, रोज हमें यहाँ से कितने बदमाशों को भगाना पड़ता है? सर मैडम बिल्कुल सच कह रही है सर। सर पिछले दो हफ्ते से मेरा यही काम था सर, योगेश को यहाँ से बाहर निकालना। मैं रोज उसे भगाता था लेकिन बेशर्मों की तरह फिर वापस चलाता था सर। क्यों? सर उसे पैसे जो कमाने थे मेरे ही ग्राहकों से। सर लगता है ये योगेश पैसों के अलावा किसी और कारण से भी यहाँ पे आता था। हाँ और फिर हमने उसे देखा भी है सीसीटीवी फुटेज में, रोमियो आइसक्रीम कोन के साथ बात करते हुए, है ना?
शायद वो जानता था उस आइसक्रीम कोन के अंदर कुछ था। बनी, तुम योगेश के पीछे भागे थे है ना? क्या हुआ फिर? जब मैं उसके पीछे भाग के गया तो तुम गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो? किस रंग की गाड़ी थी, क्या नंबर था, क्या मॉडल था? गाड़ी बहुत बड़ी थी और सर जीप जैसी, और हाँ सर गाड़ी लाल रंग की थी, लेकिन सर नंबर शायद उस गाड़ी में नहीं था। लाल रंग की गाड़ी जीप जैसी, सर कहीं ये गाड़ी जेजे सीरीज की तो नहीं थी? क्योंकि लाल रंग का मॉडल तो सिर्फ जेजे सीरीज में होता है। लाल रंग का मॉडल जेजे सीरीज, वही ना, वो पुरानी गाड़ी जिसे ये ऑटोमोबाइल डिजाइनर नहीं बना देता। यस सर। क्या नाम है उस डिजाइनर का? सर राजू नाम है उसका। राजू? सर वो एक ही मैकेनिक है जो ऐसी गाड़ियां बदल के उसकी मरम्मत करके उसको नहीं करता है। वैसे ये आइसक्रीम कोन काफी नया लगता है मुझे। 3 महीने पहले ही लिया था। 3 महीने पहले लिया था और फिर भी इतना नया, वो कैसे? रोमियो को हम सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर रखते थे सर। कितने बजे से? सर 3 से 5 के बीच में, और यही टाइम था जब कस्टमर ज्यादा आते थे सर। और बहुत ही जल्दी रोमियो सारे ग्राहकों का चहेता बन गया था सर। कम समय में चहेता बन गया था। वैसे रोमियो के पेट के अंदर काफी जगह है किसी इंसान को अंदर सोने के लिए। और ये देखिए सर, इसके इस वाले हाथ में यहाँ पे ये छेद भी है। ये क्या? क्या जानती है आप इस छेद के बारे में? नहीं नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, जब मैंने इसे खरीदा था इसके अंदर सिर्फ रुई और स्पंज भरा था। कुछ नहीं पता। सर मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं सर। आप वकील हैं इनके या गार्ड है? वैसे ये पपेट कहाँ से खरीदा था? सर सुरेश पपेट वाले से। कहाँ पर है ये सुरेश पपेट वाला? चौराहे पर। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती आपका ये कैफे बंद रहेगा, सील, ठीक है? जी सर। सर सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है? अच्छा चलो देखते हैं, चेक करो निखिल। सर कुछ मिला नया? हाँ सर बहुत कुछ। क्या? एक तो सर इसने मिल्कशेक यहां से नहीं लिया सर, किसी जीजोस कॉर्नर से लिए। और कुछ? और सर ये लड़की रोमियो से कुछ कह रही थी। रोमियो से? क्या? इसके होठों के मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये कह रही थी आज रात ड्यूटी। ये देखिए सर। रात ड्यूटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रात को मिलने की बात कर रहे थे? लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि ये लड़की और रोमियो एक दूसरे को जानते हैं। सर मतलब ये लड़की रोमियो को मिलने यहाँ पे आई थी, लेकिन सर ये ड्यूटी का क्या चक्कर हो सकता है? ये तो लड़की बता सकती है। वो झगड़े वाला फुटेज दिखाओ। ये सर। तो हो क्या रहा इन दोनों के बीच में? कुछ पता चला ये क्या कह रहे थे? ये दोनों क्या कह रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। ये फोटोग्राफर का कुछ पता चला? किसके साथ बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इसने अपने हाथों से मुंह ढक के रखा है। ये देखिए सर। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये रोमियो से क्या कह रहा था। हो सकता है ये लाल गाड़ी वाले के साथ बात कर रहा हो, वरना इतनी जल्दी वो गाड़ी उसे वहां से लेके कैसे चली गई?
ये लाल गाड़ी वाला आसपास ही कहीं खड़ा होगा, कहीं आसपास ही, पता लगाना पड़ेगा ये लाल गाड़ी है किसकी, और ये बताएगा हमें वो ऑटोमोबाइल डिजाइनर राजू। और फिर इस लड़की के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा जीजोस कॉर्नर से। एक्सक्यूज मी। अरे सीआईडी, दया सर, एसीपी साहब, आप लोग यहाँ क्या लेंगे सर, कुछ चाय कॉफी? चाय कॉफी तो नहीं, हम ये मिल्कशेक के बारे में कुछ जानने आए। मिल्कशेक के बारे में? निखिल, इस लड़की को जानते हैं? जी सर, ये तो पल्लवी मैडम है, वो हमारे यहाँ रोज आती है दिनेश के साथ। क्या बताऊँ सर, क्या जोड़ी है उनकी, वो दोनों यहाँ पे रोज आते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। तुम इसे जानते हो? ये तो दिनेश है, दिनेश मर गया। एक बात बताओ, दिनेश और पल्लवी हर रोज यहाँ मिलते थे? जी सर, पर पिछले दो हफ्ते से सिर्फ एक ही घंटे के लिए आते थे, 5:30 से 6:30। क्यों? पल्लवी मैडम को नई नई नौकरी मिली थी ना, कहीं नाइट शिफ्ट में जाती थी। अच्छा, ये पल्लवी मैडम कहाँ पे काम करती है, कुछ मालूम है? नहीं सर, वो तो नहीं मालूम। कोई नंबर वगैरह तो नहीं होगा आपके पास? नहीं, नंबर भी नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं मालूम। देख, शाम को 3 और 5 बजे के बीच रोमियो स्नैक्स में रोमियो आइसक्रीम कोन को 2 घंटे के लिए बाहर रखा जाता था। कहीं दिने उस आइसक्रीम कोन के अंदर खड़ा तो नहीं रहता था 2 घंटे के लिए 5 बजे तक, और फिर 5:30 बजे यहाँ आके पल्लवी से मिलता था? और सर, ये योगेश पिछले 2 हफ्तों से रोमियो स्नैक्स में आता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 हफ्ते में इन तीनों का, मतलब योगेश, दिनेश और पल्लवी की आपस में कोई जान पहचान हुई हो? बिल्कुल हो सकता है। और फिर योगेश और पल्लवी दोनों जानते थे कि दिनेश उस आइसक्रीम कोन के अंदर खड़ा रहता है, और इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्योंकि योगेश को शक होने लगा था कि पल्लवी सब कुछ जानती है। पर सबसे बड़ी अजीब बात यह है दया, वो जो रीमा है ना, उस रोमियो स्नैक्स की मालकिन, उसने तो बताया था ये रोमियो आइसक्रीम कोन पूरा फोम और स्पंज से बना हुआ है, उसमें तो कोई हो ही नहीं सकता है, आदमी तो छोड़ो कुछ भी नहीं, और फिर भी दिनेश उसमें था, दिनेश की लाश भी वहां से मिली। समझ में नहीं आ रहा था दिनेश ऐसी कौन सी नौकरी कर रहा था, ये 2 घंटे की ऐसी क्या मजबूरी थी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ही नौकरी कर रहे थे, कि दिनेश दिन में नौकरी करता था और पल्लवी रात को? पता लगाना पड़ेगा दया कि ये पल्लवी किसकी और कौन सी नौकरी करती थी ये रात को। राजू। अरे साहब, आप, गाड़ी खराब हो गई क्या? हमारी तो गाड़ी नहीं खराब हुई है, लेकिन किसी की गाड़ी बंद करवानी है। अरे ये जेजे सीरीज टाइप की गाड़ियां तुम ही बनाते हो ना? पहले बनाता था, अभी बनाता नहीं, सिर्फ मरम्मत करता हूँ। वो क्या है ना साहब, 10-10 हजार का हेडलाइट आता है, काम पूरा होने के बाद ना मजदूरी मिलती है ना टाइम पे पैसा मिलता है। पर हाँ साहब, आज एक गाड़ी आई थी, उसने पैसा पूरा दिया। मतलब जेजे सीरीज की गाड़ी यहाँ आई थी? जी। वो लाल कलर की गाड़ी थी? जी साहब, वो कुछ हेडलाइट का प्रॉब्लम था, मैंने तो मना किया साहब, लेकिन वो पीछे ही पड़ गए मेरे। सर, कहीं ये योगेश तो नहीं? ये था वो? हाँ, यही तो था वो। इसके साथ में कोई और भी था? हाँ साहब, एक ड्राइवर था। दिखने में कैसा था? साहब, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। गाड़ी के हेडलाइट बना रहे थे और ड्राइवर को देखा नहीं? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, बड़ा अजीब ड्राइवर था, 1 मिनट को भी गाड़ी से नहीं उतरा साहब, गाड़ी का सारा शीशा काला था। अब बताओ कोई देखे भी तो कैसे देखे? अरे कुछ तो देखा होगा भाई। साहब उसने काले रंग की टोपी पहनी थी और आंखों पे काले रंग का चश्मा भी पहना था और मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। साहब सब कुछ इतना काला था, मेरे को तो दिन में अंधेरा दिख रहा था। अच्छा, ये योगेश ड्राइवर से कुछ बातचीत कर रहा था, सुना था तुमने? वो मैं बिल लेकर गया ना, तो ये योगेश वो गाड़ी का खिड़की पे खड़ा था। भाई भाई, मुझे ऐसे मत छोड़िए भाई, भाई मैं कहाँ जाऊंगा भाई, गलती हो गई भाई, भाई अब नहीं होगी भाई। मुझे तेरे जैसे निकम्मे से नहीं उलझना, किसने बोला था इतना बड़ा कांड करने के लिए? भाई माफ कर दो भाई। साहब वो बिल पे नाम नंबर लिख लेता। ये ले भाई, भाई माफ कर दो भाई,
भाई मुझे मत छोड़ो भाई। बोला ना निकाल भाई। और फिर साहब ड्राइवर ने मेरे मुंह पर ढेर सारा पैसा फेंका और चला गया। और ये योगेश? वो भी साहब उस गाड़ी के पीछे भागता हुआ चला गया। जब बिल दिया था उसको तो उसका नाम नंबर कुछ तो लिखा होगा ना? हाँ साहब, वो तो बिल भी उसने नहीं लिया, मेरे पास ही रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मतलब सर ड्राइवर जानता था कि योगेश ने रोमियो स्नैक में कुछ गड़बड़ की है? गड़बड़ की है या खून किया है यही पता लगाना है। ये साहब ये है बिल। अरे वाह सर, ये इधर तो नंबर है, अब तो हम खून तक पहुंच जाएंगे। जरा नंबर लगाओ, ये 1143 6183278। सर नंबर तो मौजूद ही नहीं है, अभी तो खूनी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सर लगता है योगेश ने गलती से अपना सही नंबर यहाँ पे लिख दिया और फिर उसे आधे में छोड़कर और मिटाकर नीचे गलत नंबर लिख दिया। अब इस अधूरे नंबर से हम सही नंबर तक पहुंचेंगे। इस नंबर के आसपास जितने भी नंबर कॉम्बिनेशन में बनते हैं ना, सब पे फोन करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सही नंबर ना मिल जाए। और ये काम तुम करोगे पंकज। सर ले बेटा, तेरी तो निकल पड़ी। सर ठीक है, तुम नहीं, तुम दोनों करोगे। आप ले उतारे का? हाँ सर। कितना है? 3 इंच। गुड। अब एक काम करो, दिनेश के हाथ में जो पाउडर मिला था ना उसे जरा चेक करो। हाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप लाश से दूर बैठे हैं, क्या इस पुतले ने आपका भी दिल जीत लिया है क्या? भाई साहब रोमियो ने दिल जीता है या नहीं जीता है तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जरूर सालुके को खरीद लिया। मन में आया जब नचा लिया, मन में आया जब बिठा दिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, नाचते तो हम आपके इशारों पे हैं। नहीं नहीं, मुझे नचाने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ पर आपको हकीकत बताने का शौक है बस। हाँ तो बताइए आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत ये है कि ये दिनेश एक जबरदस्त ड्रग एडिक्ट था, नशीली दवाइयों का सेवन किया करता और उसी नशीली दवाई की वजह से इसकी मौत हो गई। ये देखो इसके हाथ में वो दवाइयों का एक इंजेक्शन है और इसे कहते हैं एम और फिक। सर कैसे, मतलब इसने अपने आप को इंजेक्शन दिया या किसी और ने दिया? किसी और ने दिया होगा जयवंती, वरना जिस तरीके से ये रोमियो के पुतले में बैठा था, अपने आप इंजेक्शन लगाना तो जरा मुश्किल दिख रहा है, क्यों सर? बिल्कुल ठीक है। इस दिनेश की मौत हुई है 4 बजे और उसे एम ऑर्फिक नाम के ड्रग का इंजेक्शन दिया गया है 3 से 3:15 बजे के बीच। मतलब जब ये रोमियो का पुतला बाहर रखा जाता था लोगों के मनोरंजन के लिए 3 से 5 बजे के बीच। सर ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी किसी के हाथ में इंजेक्शन नहीं दिखा और ना ही किसी ने इसे इंजेक्शन देने की कोशिश की। सारुके साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ? नहीं नहीं, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती है, मुझे दोबारा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आज तक हुआ कभी ऐसा? नहीं, वो क्या है? नहीं, सीडी हम लाए थे एक्चुअली। रखो अपने पास। तो रखो। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा तारिका जी, फुर्सत मिले तो। अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है शाहरुख के साहब, आगे बताइए आप। आ गए। ये रोमियो, इसके अंदर की तरफ सिर्फ दिनेश के फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन इसके बाहर की तरफ बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर वो इसलिए कि रोमियो स्नैक्स में जो भी ग्राहक आते हैं वो रोमियो के साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं। और इन्हीं फिंगरप्रिंट्स में एक फिंगरप्रिंट्स होगा हमारे उस खूनी का, और खास तौर पर वो फिंगरप्रिंट्स चेक करो जिन्होंने 3 से 3:15 बजे के बीच इसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाए। करेक्ट। और ये जो होल है ये 3x3 इंच का है। अब इस 3x3 इंच के होल से इस केस का क्या लेने देना? तारिका तुम समझाओ यार इसे, तुम समझाओ। हाँ, आप ही समझा दीजिए तारिका जी, समझा दीजिए आप। जी बात ये है कि दिनेश के राइट हैंड पे से हमें ड्रग्स के कुछ ट्रेसेस मिले, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर इस छेद के जरिए किसी ने इसके हाथों पे से ड्रग लिए होंगे या दिए होंगे। तो कहीं वो पल्लवी इसे ड्रग देने तो नहीं आई थी? हो सकता है ये पल्लवी ड्रग्स का बिजनेस करती हो। सर लेकिन पल्लवी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन इस पल्लवी को ढूंढना बहुत जरूरी है।
हो सकता है ये दोनों इस ड्रग के धंधे में शामिल हो, और हमें ये पता लगाना है कि ये दिनेश रोमियो के अंदर कर क्या रहा था और उसे ये इंजेक्शन दिया किसने। अरे यार कहां फंस गया हूं मैं, ये नंबर कैसे मिलेगा? इतने सारे नंबर में से योगेश का नंबर कैसे मिलेगा? मिल गया पंकज, मिल गया। हाँ, 1722067780, इसे ट्रेस कर जल्दी। यहाँ पे किसका फोन बज रहा है? ये आपका फोन बज रहा है रेडी सर, काम के टाइम पे मेरे साथ मजाक मत करो प्लीज। पंकज कुछ भी बोलता है? अरे हाँ ये तो मेरा ही नंबर है। जल्दी से फोन उठा। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? रेडी सर क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर अगर हमें नंबर नहीं मिला ना तो हमारी नौकरी गई। पंकज अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मेरी वाइफ मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ। सुरेश तो दिख नहीं रहा, हमें आते हुए देखकर भाग तो नहीं गया? नमस्ते, ये बेल बजाना बंद कीजिए। सुरेश जी सो रहे हैं। जगाओ सुरेश जी को। भला क्यों, आप लोग कौन हो? उसे जल्दी उठा वरना अलार्म की ऐसी घंटी बजाऊंगी ना जिंदगी भर के लिए सोना भूल जाएगा वो। बोल उसे सीआईडी से आए हैं। सीआईडी सर आप लोग यहाँ? लेकिन मैं तो एक मामूली पपेट बनाने वाला हूँ। ये देखो ये पपेट भी तुमने बनाई है? जी हाँ, ये तो रोमियो है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है रीमा जी के लिए। किन सब चीजों से बनाया था ये? मेरा मतलब है ये इसका डिजाइन वगैरह ये तुमने दिया था? हाँ सर, ये सारे पपेट मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। नहीं वो ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं ये जो पपेट के अंदर भरते हो ना वो रुई स्पॉन्ज वो इसमें भरना भूल गए थे क्या? बिना रुई और स्पॉन्ज के तो पपेट बन ही नहीं सकता। ये क्या है? इसके हाथ पे छेद है और ये पूरा खोखला है, एक आदमी आ सकता है इसके अंदर? साहब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कुछ नहीं किया? ये दिनेश है, इस आदमी की लाश हमें रोमियो के अंदर से मिली, इसको जानता है? नहीं सर मैं इसे नहीं जानता। नहीं जानते? तो फिर दिनेश की लाश तुम्हारे बनाए हुए रोमियो के अंदर कैसे मिली? रोमियो को मैं जानता हूँ, रोमियो को मैंने बनाया, लेकिन उसके अंदर जिस आदमी की लाश है उसको मैं नहीं जानता। याददाश्त हिल गई इसकी। एक काम करते हैं तुमको ब्यूरो ले चलते हैं, वहां तुम्हारे सर की अच्छी सी मालिश होगी, सब याद आ जाएगा। चलो। नहीं सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने रीमा वाले रोमियो में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रीमा वाले रोमियो में नहीं किया था तो फिर किसके रोमियो में किया था? दो हफ्ते पहले एक मैडम यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपना नाम पल्लवी बताया था, उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मुझे रोमियो का डुप्लीकेट बनाने को कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि उसे खोखला रखना। तो पल्लवी के लिए तुमने ऐसा ही रोमियो बनाया जो अंदर से खोखला था और जिसके एक हाथ पे छेद था 3x3 का? हाँ साहब, लेकिन साहब मैंने उसके एक हाथ में छेद नहीं बल्कि दोनों हाथों में 3x3 के छेद बनाए थे। क्या दो छेद? मतलब तुमने दो रोमियो बनाए, एक रीमा के लिए और एक पल्लवी के लिए? हाँ साहब, अगर पल्लवी मैडम मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था साहब कि उस पपेट का वो लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। लगता है श्रीमान ने हमें पूरी बात नहीं बताई। वो रोमियो वाले पपेट को उसने किसी लोकल दर्जी से खाली करवाया होगा और एक हाथ पे उसने वो 3x3 का छेद भी बनवा दिया ड्रग्स के लेन देन के लिए। हमें इस दूसरे रोमियो को ढूंढना होगा जो पल्लवी ने बनवाया।
हेलो, पता चल गया? अच्छा, नहीं तो ठीक है, ठीक है, गुड जॉब, वेरी गुड। क्या हुआ? वो राजू के गैराज से जो हमें गलत नंबर मिला था ना, उसके कॉम्बिनेशन से सही नंबर पता चल गया है। योगेश का नंबर है। तब तो योगेश सीसीटीवी फुटेज में किससे बात कर रहा था उसके बारे में पता चल गया हो? नहीं, उसका नंबर स्विच ऑफ है, लेकिन वो कहाँ है ये पता चल गया है। कहाँ? HR में। अभिजीत, ये तो वही जेजे सीरीज वाली गाड़ी है जिसमें योगेश भागा था। रीमा, रीमा घबराओ मत, हम CID से हैं। आओ, आराम से बाहर आओ। बाहर निकल, बाहर निकल। आओ, घबराओ मत, आराम से बाहर आओ। घबराओ मत। अरे सर, सर पीछे, सर पीछे, सर लाश, लाश, लाश। योगेश ये मर चुका है। रोमियो, इसमें भी लाश है। पल्लवी, हम लोग सही थे। ये लड़की इस रोमियो के अंदर बैठ के ड्रग्स बेचने का काम कर रही थी। कोट भी नीले हैं, नाखून भी नीला, और ये हाथ पे सुई का निशान बिल्कुल दिनेश की तरह मारा गया इसको। मयूर, बॉडी इसको फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, आप कुछ बता सकती हैं कैसे हुआ ये सब? सर, मैं क्या बताऊं, मुझे तो किसी ने किडनैप करके यहाँ गाड़ी पे लाके छोड़ दिया। आपने तो उसे देखा नहीं होगा क्योंकि आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी। जी सर। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इन दोनों को मारा किसने? सर, जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी, मैंने बाहर गोली चलने की आवाज सुनी और पीछे गाड़ी का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। फिर किसी ने भारी सामान रखा बाहर, तो मुझे लगा गोली चली है, इसका मतलब लाश ही होगी। लगता है झूठ बोल रही है। मुझे भी यही लगता है। अगर किसी तीसरे ने योगेश और पल्लवी का खून किया होता तो गाड़ी यहाँ क्यों छोड़ जाता, लेकर निकल जाता? दे, खून? नशीली दवाएं बेचने वाला यहाँ इस हालत में? अभी अभी जेल से छूटा ना तो, फिर भी चैन नहीं? गोली किसने मारी तुझे? सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वैसे आप लोगों को तो सब अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी सब बताता हूँ। दरअसल जेल से बाहर आकर रीमा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसको अपने ड्रग्स के काम में इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था सर। रोमियो स्नैक्स को ड्रग्स का अड्डा बना के, क्यों? जी सर। फिर सर, एक दिन से मुझे फोन आने लग गया कि मेरे ड्रग्स में मिलावट है। मैं चौंक गया। फिर मैंने योगेश को काम पर लगा दिया दिनेश पर नजर रखने के लिए।
नजर रखने के लिए या दिनेश को मरवाने के लिए? नहीं सर, मैंने दिनेश को नहीं मारा। मुझे योगेश ने बताया कि उसने पल्लवी को रोमियो से बात करते देखा, फिर मैं पल्लवी पर नजर रखने लगा और उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया सर। यहाँ आके पल्लवी का खून कर दिया? क्यों? नहीं सर, मैंने पल्लवी को भी नहीं मारा, लेकिन सर जब मैं यहाँ पहुंचा तो पल्लवी को ढूंढने गया और जब लौटा तो देखता हूं कि मेरी गाड़ी की बैक सीट में रोमियो पड़ा है। और जब रोमियो को पलटा तो अंदर पल्लवी थी। मैं चौंक गया। पल्लवी? भाई भाई मुझे मत छोड़ो भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। भाई मेरा क्या होगा भाई? भाई गलती भाई, भाई अब नहीं होगा भाई। तू मेरे और मेरे धंधे के लिए मुसीबत बन चुका है। पल्लवी को तूने मारा ना? पल्लवी मर गई। तूने ही मारा? मैंने मैंने पल्लवी को नहीं मारा। फिर पता नहीं कहीं से मेरे ऊपर किसी ने गोली चलाई और मैं गिर पड़ा। फिर आपकी गाड़ी देखकर मैं यहाँ आकर छुप गया। गोली किसने चलाई तुम पे? मैंने चलाई। मैंने चलाई थी गोली। अच्छा, आपके हाथ तो बंधे हुए थे। खुद बांधे थे ना? हमारी गाड़ी को आते देख अपने हाथ बांध लिए और आंखों में पट्टी बांध ली। क्यों? जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता? जिस तरह आसानी से तुम्हारे हाथ की रस्सी खुल गई, पता चल गया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पीसी की जगह ड्रग्स का धंधा करना चाहती थी तुम, इसलिए दिनेश और पल्लवी को रास्ते से हटा दिया। क्यों? नहीं सर, मैंने पल्लवी और दिनेश को नहीं मारा। मुझे घिन आती है सिर्फ पीसी और इसके धंधे से। मेरी दुश्मनी सिर्फ पीसी के साथ है क्योंकि इसने मेरा इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं इसे मारना चाहती थी। तुम्हें पता कैसे चला कि पीसी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? जिस दिन मैंने दिनेश की लाश रोमियो के अंदर देखी, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि इसने अपने गंदे कारनामे फिर से शुरू कर दिए। आपने हमें इस पीसी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं पीसी से प्यार करती थी सब, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और इसीलिए मैं अपना बदला खुद ही लेना चाहती थी। लेकिन मैं पीसी को किसी गलत इल्जाम में फंसता हुआ नहीं देख सकती सब, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे। दिनेश और पल्लवी का खून इन लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? खूनी कौन है? हाँ साड़ू के साहब। क्या हुआ सर? क्या बताऊं तारिका, क्या हुआ? सर आप कब से हंसे जा रहे हैं? ऐसे क्या देख लिया आपने जो ऐसे हंस रहे हैं आप? अरे मैंने अभिजीत का उतरा हुआ चेहरा देख लिया है। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आने दो कैसा चेहरा उतरता है उसका। मालूम था मेरे को एक नए दिन साड़ों के साथ पागल हो ही जाएंगे। साड़ों के साथ हम यहाँ आपके लिए भागते हुए आए हैं। यहाँ एक नहीं तीन तीन खून हुए हैं और आप हंस रहे हो। तो क्या करें? हंसे नहीं तो क्या करें भाई, मैंने कुछ ऐसा देख लिया है कि हंसी आ रही है। तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो 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 इधर। तुम लोग जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे थे ना, सही है, एकदम सही है। देखो ये देखो, यहाँ पर वाटर मार्क भी है रोमियो, है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है दोस्त, यहाँ पर फुटेज पर वाटर मार्क है, लेकिन इसे अगले वाले टेप में कुछ नहीं। तीन से सवा तीन के बीच में कोई वाटर मार्क नहीं। इसका मतलब यह है कि इस फुटेज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। देखो देखो देखो, अच्छे से दिखाई देगा। देखो कट कट, देखो देखो, फुटेज तो बदल दी गई। हाँ फुटेज तो बदल दी गई है सर। इसका मतलब, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। अरे यार समझा कर ना, अरे मैं तुझे माल नहीं दे सकता यार अभी। अरे समझा कर, धंधे में मंदा है। अरे तू ये वहां कौन है? सुन मैं तुझसे बाद में बात करता हूं।
रोमियो बनी। रोमियो को देखकर पसीने छूट गए। खेल खत्म। सर, 3 महीने पहले यहां नौकरी ज्वाइन की, तभी मुझे शक हो गया था कि यहां जरूर कोई घोटाला है। एक दिन जब मैं रोमियो को रेस्टोरेंट के बाहर रखवा रहा था, उस दिन मुझे लगा कि रोमियो सच में बहुत भारी है। उस दिन से मैंने रोमियो पर नजर रखनी शुरू कर दी और मेरा शक सच हो, रोमियो के जरिए यहां ड्रग्स का धंधा हो रहा था। और मुझे बाद में यह भी पता चला कि रीमा मैडम को इसके बारे में बिल्कुल भी भलक नहीं। तब मैंने सोचा कि पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं है। एक दिन मैंने स्टोर रूम के बाहर दिनेश को रोमियो के अंदर से निकलते हुए देखा। ए, बता, किसके लिए काम करता है? और दिनेश से पता चला कि वो पीसी के लिए काम करता था, ग्राहकों को ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। और फिर तुमने उसे अपने लिए भी काम करने के लिए कहा है ना? हाँ सर, लेकिन दिनेश ने पहले मुझे अपनी दोस्त पल्लवी से बात करने के लिए कहा। ये लीजिए, बात करिए। और उसके बाद मैंने दिनेश के माल में मिलावट करनी शुरू कर दी और रोमियो का दूसरा पपेट बनवाकर पल्लवी को उसमें खड़ा करके दुकान के पीछे 2 घंटे नाइट शिफ्ट करने को कहा। तो दिनेश को क्यों मारा? वो योगेश जब दुकान के बाहर तस्वीरों के बहाने रोज आने लगा तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि मेरी मिलावट के बारे में पीसी को पता चल गया है, इसलिए मैंने दिनेश को मार दिया और सारे सीसीटीवी फुटेज बदल दिए। और पल्लवी, उसे कैसे मारा? मुझे पता चल गया था कि पीसी पल्लवी पर नजर रख रहा है। मैंने पल्लवी को चौकन्ना होने को कहा और उसके बाद पल्लवी को एचआर मिल्स में बुलाया, वो भी अकेले। और मुझे पता था कि पीसी वहां पर जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं वहां पहुंच गया और पल्लवी को मार दिया और पल्लवी की लाश को पीसी की ही गाड़ी में डाल दिया ताकि शक पीसी पर हो। वाह रे वाह, सिक्योरिटी गार्ड, तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, रक्षा करने वाले, मगर क्या किया तुम? खून पे खून किए, 3-3 खून। अगर फांसी से भी कड़ी सजा होती ना तो भी तुम्हारे लिए कम होती। अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.